सभी को मेरा नमस्कार। ये धर्म पर हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम इस्लाम धर्म के बारे में बात करेंगे कि ये धर्म कहाँ से आया, कब आया और इसमें जीवन जीने की पद्धति क्या है और ये भारत में किस प्रकार आया। इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अमन या शांति। इस धर्म की शुरुआत 7वीं सदी में सऊदी अरेबिया में हुई थी, जबकि मुस्लिम लोग मानते हैं कि यह धर्म सृष्टि की रचना से ही विद्यमान है। इस्लाम धर्म से पहले अरब में ईसाई धर्म था। इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर को मानते हैं जिसे वे अल्लाह कहते हैं। इस्लाम को दुनिया के सबसे नए धर्मों में गिना जाता है क्योंकि इस धर्म को आए हुए मात्र 1445 साल ही हुए हैं। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत 610 ईस्वी में की थी। पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का मदीना में हुआ था और सबसे पहले इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने कबूल किया, जो कि इस धर्म के आखिरी नबी के रूप में जाने जाते हैं। नबी का मतलब होता है कि खबरी या पैगंबर। भारत में इस्लाम धर्म लाने का श्रेय मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी में समुद्र के रास्ते उत्तर भारत में आया और जब से ही यह भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन गया है। इस्लाम धर्म में लोग अपने धर्म का प्रसार करने का प्रयास करते हैं कि लोगों को उनके धर्म के बारे में पता चले तथा इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बने। इस्लाम धर्म में कुरान को पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जो कि उनके जीवन जीने की पद्धति है। मुस्लिम लोगों के अनुसार कुरान की रचना लगभग 1,24,000 नबी द्वारा की गई थी। कुरान में अल्लाह को मानव की समझ के परे माना जाता है। मुसलमानों से अल्लाह की कल्पना करने की बजाय उसकी प्रार्थना और जय जयकार करने को कहा गया है। मुसलमानों के अनुसार अल्लाह अद्वितीय है और उसके जैसा और कोई नहीं है। इस्लाम में 5 मूलभूत स्तंभ माने जाते हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इस्लाम में 2 महत्वपूर्ण त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अहा तथा रमज़ान का महीना बहुत पवित्र समझा जाता है। रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं तथा इस महीने को पवित्र मानते हैं। मुसलमान लोग अपनी इस्लामी पहचान दिखाने के लिए अपने बच्चों का नाम अक्सर अरबी भाषा से लेते हैं। मुस्लिम अपने आप को अलग दिखाने के लिए लंबी दाढ़ी रखते हैं और औरतें बुर्का पहनती हैं। इस धर्म की जितनी ज़्यादा अच्छी बातें हैं उससे ज़्यादा कहीं इसमें कमियां हैं, पर ये एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। बाकी सब धर्म में अच्छाइयां और बुराइयां मौजूद होती है। हर चीज़ में अच्छी और बुरी बातें दोनों होती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।